हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप प्यारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास की, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोग हमारे कंप्यूटर के MCQ पढ़ते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल के MCQ है, जो कि बहुत ही कंप्यूटर के बेसिक से सवाल है, लेकिन पेपर में आने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले सवाल हैं ये। दिल खोल के पढ़िएगा, मन लगा के याद करिएगा इन सवालों को। अगर आप स्टार IQ चैनल पे पहली बार बैठे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी साइड से राधे राधे, नमस्कार। जल्दी जल्दी आप लोग लाइव कनेक्ट हो जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। नमस्ते जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। राधे राधे। तमन्ना, योगेश नमस्ते जी, अमित जी आपको भी नमस्ते, करमवीर नमस्कार, पल्लवी नमस्कार, ज्योति जी नमस्ते। आप सभी प्यारे बच्चों को, महानुभावों को बहुत बहुत नमस्कार और राधे राधे भी। चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ मैं, और आपको पढ़ाना यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले कल की क्लास तक मैंने आप लोगों को करवाए थे, इस PDF के अंदर टोटल 53 क्वेश्चन करवाए थे मैंने आप लोगों को, ठीक है। और आगे के आज आप लोगों को करवा देता हूँ, 100 तक MCQ आगे ले जाता हूँ, पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ दिल लगा के आराम से, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस क्लास को या इस सेशन को स्टार्ट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से जो पहली जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है ना। ये है हमारे क्या पहली जनरेशन का कंप्यूटर। अच्छा, जो पहली जनरेशन थी कंप्यूटर की, अब तक टोटल पता है आप लोगों को 5 जनरेशन बीत चुकी है। सबसे पहली जनरेशन थी, उनके अंदर क्या था? उनके अंदर था वैक्यूम ट्यूब होता था, ठीक है ना। कोई तुमसे पूछे कि पहली पीढ़ी का वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने और कब किया था, तो कब की बात आती है आपकी, 1904 के अंदर किया गया था आविष्कार। आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जे फ्लेमिंग था, ठीक है ना। जे फ्लेमिंग जो था ना, वो आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जे फ्लेमिंग था, ये पॉइंट आप याद रखिएगा बच्चा। और दूसरी बात है कि पहली पीढ़ी के अंदर अगर पूछे तुमसे भाषा कौन सी यूज की गई थी, तो पहली पीढ़ी के अंदर भाषा यूज की गई थी बाइनरी, जिसको आप लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है ना। मशीन लैंग्वेज कह दीजिएगा या बाइनरी लैंग्वेज ही कह दीजिएगा। ये क्वेश्चन लिखे भले इंग्लिश में हो, लेकिन मैं आप लोगों को ट्रांसलेट कर करके समझा रहा हूँ। अब बताइए इस क्वेश्चन में कितना का मुश्किल काम है कि लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मैंने तुरंत इसे ट्रांसलेट कर दिया कि ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, इनमें बता दीजिएगा। तो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर दिल लगा के ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। एक भी बात ऐसी नहीं जाने दूंगा मैं जो आपको समझ में नहीं आएगी या जो आपके सर से ऊपर से जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि आप लोगों को थोड़ा सा कमी निकालने का है कि क्वेश्चन केवल ही हिंदी में, इंग्लिश में है, केवल हिंदी में होते तो इंग्लिश में है, तो देखो दिक्कत आएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा ही है जिसमें केवल और केवल इंग्लिश को जल्दी समझा जा सकता है, ठीक है ना। और बाकी रहा ना मैं आपके साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने के लिए, फिर मैं बैठा ही क्यों हूँ समझाने के लिए, नहीं हूँ तो फिर मैं आराम से समझाऊंगा। NCERT के बेसिक सवालों को क्लियर कीजिएगा, पेपर में आएगा ही आएगा ये सवाल, ठीक है ना। चलो डियर, हम लोग समझा देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? 55 नंबर क्वेश्चन ये कहता है आप लोगों को कि चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, पहली पीढ़ी का जो एक मेन कंपोनेंट कौन सा था। अभी सर ने आपके आगे कहा है कि पहली पीढ़ी में मेन कंपोनेंट जो था ना, वो था डियर वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? जे फ्लेमिंग ने किया था, 1904 में किया था, बाइनरी लैंग्वेज यूज की गई थी। अच्छा, तुमसे कोई पूछता सेकंड जनरेशन का कौन सा था, जवाब रहता ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था 1947 में हुआ था, और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया किसने था? विलियम शॉकले ने किया था, इस बात को भी याद रखना। कोई तुमसे पूछता थर्ड जनरेशन का कौन सा है, तो आपका जवाब रहता इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि IC। IC की खोज किसने की थी? जैक किल्बी ने की थी। कौन से साल में की थी? 1959 में की थी। ये दोनों तीनों बातें आप लोगों को लिंक करके याद करनी है।
चलो 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हें, इसको पढ़िएगा। फोरट्रान, देखो फोरट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एक्चुअली इन्होंने शायद फुल फॉर्म ही पूछा है आप लोगों से, तो फाइल ट्रांसलेटर तो नहीं होता है, फॉर्मेट ट्रांसलेशन नहीं होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका सी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, फ्लॉपी नहीं होता है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोरट्रान जो है ना यूज कहाँ होती है, इससे लैंग्वेज का यूज किया जाता है मैथ के लिए और के साथ में जो है ना वो साइंस के लिए, ठीक है ना, मैथ के लिए और साइंस के लिए इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। पेपर में पूछा जाए कि मैथमेटिक्स और साइंस के एक्सप्रेशन के लिए, या यूं कहा जाए विज्ञान और गणितीय कार्यों के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो आंसर रहेगा फोरट्रान। कोई तुमसे पूछे कि कौन सी पीढ़ी में फोरट्रान लैंग्वेज आई थी, तो जवाब रहेगा आपका सेकंड जनरेशन में, जब ट्रांजिस्टर था ना, ट्रांजिस्टर के साथ ही फोरट्रान आई थी, और फोरट्रान के साथ में एक लैंग्वेज और भी जुड़ी हुई थी जिस लैंग्वेज का नाम आप लोग क्या बोला करते थे, कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या जी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज फोरट्रान का फुल फॉर्म था, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। चलो जी 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़िएगा आप लोग क्या। EEPROM, देखिएगा आप लोगों ने मेमोरी पढ़ी होगी और मेमोरी के अंदर आप लोगों ने रोम पढ़ा होगा। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर एक बार अगर आपने डेटा लिख दिया सो लिख दिया, दोबारा डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो रोम के जो कई टाइप के प्रकार है, जैसे आप लोग मास क्रोम भी कह देते हो, एक आपका पी रोम होता है, पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। एक आपका होता है ई पी रोम होता है, ई पी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल, सॉरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें डेटा को इरेज किया जाता है वाया यूवी रेज के माध्यम से। 20 से 25 मिनट लगता है डेटा को इरेज होने में, और जितना चाहोगे उतना डेटा डिलीट नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है आपका EEPROM आता है, आपका EEPROM। EEPROM का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसे कहीं EEPROM लिखा होता है, कई जगह लिखा होता है E²PROM लिखा होता है, ठीक है ना, E²PROM। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म ए होगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। सर कितना टाइम लगता है डेटा इरेज होने में, तो डियर इसके अंदर आपको लगता है टाइम मिली सेकेंड, ठीक है ना, मिली सेकेंड। सर मिली सेकेंड लगता है, डेटा इरेज किससे करते हैं, इरेज हम लोग किया करते हैं इसके अंदर लेजर लाइट के माध्यम से, ठीक है ना, लेजर लाइट। अब देखिएगा रोम के अंदर तो आप लोग जो ईपी रोम था उसके अंदर करते थे यूवी रेज से, यहां करोगे लेजर लाइट से, वहां लगते थे 20 से 23 मिनट, यहां लगते हैं मिली सेकेंड। तो ज्यादा अच्छा कौन सा है, ज्यादा अच्छा E²PROM ही होगा। इस पॉइंट को भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना डियर, ठीक है ना। सितंबर महीने के हरियाणा करंट अफेयर लाइव करवा तो चुका हूं मैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों की अभी तक आंख नहीं खुली है तो आंखें खोल लीजिएगा, इतने नींद में मत रहिएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी एक लाइव सेशन लिया था 2 घंटे का, और पूरे सितंबर के करंट अफेयर लाइव आके ही करवाए थे। हाँ चलो जी, हाँ हम कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, हर रोज रात की 9:30 बजे की एक लाइव क्लास डेली रखेंगे, ठीक है ना, डेली लाइव क्लास रखेंगे, ठीक है ना। और हफ्ते में 2-3 दिन हम लोग कंप्यूटर पढ़ लेंगे, 2-3 दिन हम लोग करंट अफेयर या हरियाणा जीके पढ़ लेंगे, और 2-3 दिन साइंस पढ़ लेंगे। इन तीन ही सब्जेक्ट को पढ़ाया करता हूँ मैं, हरियाणा जीके या करंट अफेयर हो गया आपका, और कंप्यूटर हो गया, और साइंस हो गया, ठीक है बच्चा। जल्दी आप लोगों के लिए हरियाणा जीके और साइंस का एक थ्योरी का कोर्स भी लेके आने वाला हूँ, जल्दी ही, उम्मीद करिएगा। चलो जी 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ाइए पढ़िएगा आप लोग। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, अब देखो 5 जनरेशन है, 5 जनरेशनों में आपसे दूसरी पीढ़ी पूछी है, तो पहली पीढ़ी का तो आपका टाइम पीरियड 50 से नीचे रह गया। 50 से ऊपर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 50 से ऊपर आपका रहेगा 1956 से 1965 का, ठीक है ना। पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड 1939 के बाद स्टार्ट हो गया था, 40 से फिर आपका 55 56 तक चला था, कई जगह 42 से 56 लिखा होता है, कई जगह 45 से 56 लिखा होता है, लेकिन नियर नियर अबाउट आपका 50 से नीचे ही था। यहाँ पे 56 से 65 का टाइम पीरियड जो है ना वो सेकेंड जनरेशन का माना जाता है। दूसरी पीढ़ी में मेन डिवाइस का नाम ट्रांजिस्टर बता दिया, लैंग्वेज का नाम फोरट्रान बता दिया, ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है बच्चा। उसके बाद में आपका क्या रहेगा, 59वां क्वेश्चन है कि द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, कंप्यूटर का साइज जो है ना बहुत बड़ा होता था कौन सी पीढ़ी में। देखिएगा पहली पीढ़ी में ही सबसे बड़ा होगा कंप्यूटर का साइज, तो दूसरी पीढ़ी में तो छोटा होगा, तीसरी में और छोटा, चौथी में तो और छोटा, और पांचवी तक तो आते आते गायब होने जा रहा है साइज, मतलब नैनो साइज में चले जा चुके हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। 57 क्वेश्चन में क्या डाउट है भाई,
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। एक सेकंड, डबल इलेक्ट्रॉनिक इरेज, सी ऑप्शन ही होगा सही का आपने। इलेक्ट्रिकली नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल होता है ये, माफ करना मैंने इस ऑप्शन को पढ़ा नहीं है। सी ऑप्शन ही होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल चलता है 220 वोल्ट पे चलता है, और इलेक्ट्रॉनिक चलता है आपका 5 से 12 वोल्ट पे काम किया करता है, ठीक है ना। तो रैम आपकी इसी पे ही काम होने वाला है, ठीक है। तो सी ऑप्शन ही होगा इसका अप्रोप्रिएट, माफ करिएगा मैंने ध्यान नहीं दिया, और आपका धन्यवाद जिसने भी पूछा और मेरा ध्यान बटाया इस पर, ठीक है। ए ऑप्शन बाय मिस्टेक मुझसे लग गया, ये सारे सेम सेम से लगते हैं जल्दबाजी में। सी ऑप्शन इसका ठीक होगा, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, अप्रोप्रिएट सी ही है इसका हमारा, ठीक है ना। चलो बच्चा अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, 59वां तो हो गया, 60वां क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जो है ना वो कौन सी पीढ़ी का था आपका, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है जो कि एज ए स्विचिंग डिवाइस, मतलब क्या है, मेन काम कर रहा है, ठीक है ना, मेन काम कर रहा है, इस बात को समझना है। माइक्रो प्रोसेसर एज ए स्विचिंग मतलब मेन काम है, उसी से ही काम चल रहा है। कौन सी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर था, तीसरी पीढ़ी में आईसी है, चौथे पीढ़ी में है तो आईसी, इसका नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लेकिन उसके अंदर आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, 60वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक रहेगा, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। 61वां क्वेश्चन क्या रहेगा आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी शुड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स। कहने का मतलब है कि आपकी फोटो है मान लेते हैं, उस फोटो में से जो टेक्स्ट निकालने का काम करता है, जो लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल से आपकी एक एक फोटो खींच ली जाए, किसी की इस कागज की फोटो खींच ली जाए, इस कागज पे कुछ लिखा हुआ है, और इस लिखे हुए इस फोटो में से कुछ लिखा हुआ है वो निकाल लेना अलग से, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा डियर ओ सी आर रहेगा, ए ऑप्शन जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा आपका, ठीक है ना, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही रहेगा, ए का मतलब है OCR, OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, मतलब जहां पे फोटो में कोई अक्षर शब्द लिखा हुआ है उसको निकालने वाले डिवाइस का नाम OCR, और OCR भी डियर आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, याद रखना, ठीक है ना, इनपुट डिवाइस है। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आप लोग गोले भर के आते हो ना वो OMR होता है, और यहां पे भी ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। MICR भी इनपुट डिवाइस है, MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कहीं रीडर भी मिलता है तो वो भी लगा सकते हो, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर आपका, ये जो बैंक में चेक होते हैं उनको पढ़ने के लिए होता है, ये भी आपका जो है ना एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, याद रखिएगा। तो ए बी सी तीन ऑप्शन जो है ना तीनों के तीनों ठीक है आपके, मतलब तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है, जिनमें से सही आंसर तो ए ही ऑप्शन है, बाकी को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको, ठीक है। चलो जी 62वां सवाल पढ़िएगा। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, जो प्रिंटर होता है प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किससे मेजर करते हो, तो आउटपुट क्वालिटी हम लोग मेजर किससे करते हैं, डॉट पर इंच से करते हैं क्या, डॉट पर स्क्वायर इंच से करते हैं क्या, डॉट प्रिंटेड पर टाइम करते हैं, या इन सभी से ही हम लोग किया करते हैं। देखो दो चीज है, अगर तुमसे पूछता कि हमारा प्रिंटर है प्रिंटर का यूनिट क्या होता है तो आप लोग आंसर लगाते हैं डॉट पर इंच, लेकिन तुमसे अगर पूछा है इन्होंने कि आउटपुट क्वालिटी प्रिंटर की मेजर कैसे करेंगे, तो एक स्क्वायर के अंदर कितने डॉट लगे हुए हैं उसको चेक किया जाएगा, आउटपुट की प्रॉपर क्वालिटी देखी जाएगी, तो एक स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर कितना कितना जो है ना आपका लगा हुआ है डॉट पर स्क्वायर इंच, ठीक है ना, पर स्क्वायर इंच लगाएंगे हम लोग डॉट, तो जाके आप उसके आउटपुट क्वालिटी को चेक कर पाएंगे। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, याद रखिएगा आप लोग, अगर यूनिट पूछा आपसे सबसे छोटा है तो डॉट पर इंच है, और अगर पूछा जाए आउटपुट क्वालिटी को चेक करना चाह रहे हो आप लोग तो आपका डॉट पर स्क्वायर इंच आएगा, बी ऑप्शन इसका एप्रोप्रिएट रहेगा, याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। चलो जी उसके बाद में है 63वां क्वेश्चन क्या कहता है आपको। इन एनालॉग कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जो है ना आपके दो तीन प्रकार के हैं, एनालॉग एक डिजिटल और एक हाइब्रिड है।
एनालॉग कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, तो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर इनपुट इज कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। इनपुट जो होती है क्या वो डिजिटल फॉर्म में बदलती है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, हाँ जी यही सही रहेगा। आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म, नहीं है, ठीक है ना। तो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आपकी बदलती नहीं है डिजिटल फॉर्म में। कैसे जी? जैसे घड़ी हो, घड़ी के अंदर टक 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 करके सुइयां चल रही है, तो बदल थोड़ी ना रही है, आप एनालॉग में चेक कर रहे हो ना, डिजिटल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हो रही है? थोड़ी ना हो रही है डिजिटल फॉर्म के अंदर। कोई भी चीज है अगर आपकी एनालॉग है, तो जैसे घड़ी के आपके घर में वो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, जो आपको वोल्टेज दिखाता है, तो वो भी क्या एनालॉग है? अगर सुई वाला है तो डिजिटल है, तो डिजिटल दिखा देगा, और अगर वोल्टेज आपका एनालॉग है तो एनालॉग सुई के माध्यम से दिखाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? इसका सही आंसर रहेगा आपका सर एसआई का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए कि नहीं, आपका क्या ओपिनियन है? मेरे अनुसार तो कैंसिल होना चाहिए भैया, सब बच्चों को इक्वल माना जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इसके अंदर दवंदव लग रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ घोटाला लग रहा है, ठीक है ना। मैनेजमेंट की बात हम कह सकते हैं, सही बात है, लेकिन मैनेजमेंट ऐसी क्या ही करें हम लोग कि आप ऐसा गड़बड़ घोटाला करें। पार्शियलिटी महसूस हो रही है, ठीक है ना, तड़प भी महसूस हो रही है कि सबके साथ ऐसा हो रहा है और बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है। खैर, तो इसका सही आंसर आपको दे चुके हो आप लोग। 64वां सवाल पढ़िएगा। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, जो आपके नई पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती है, यानी कि जो निर्देश होते हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं? हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, सुनते जाइएगा आप लोग क्या, कि नई पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं, उनकी जो इंस्ट्रक्शन निर्देश होते हैं ना, वो किस तरीके से जो है ना एग्जीक्यूट होते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो इसका आंसर क्या खाली पैरेलल होते नहीं जी, सिक्वेंशियल होते नहीं, बोथ सिक्वेंशियल पैरेलल, हाँ ये ठीक है, सिक्वेंशियली लगातार भी होता है, एक साथ भी होता है, ठीक है ना। तो इसका कई सारे प्रकार होते हैं, दोनों ही याद रखिएगा, बोथ सिक्वेंशियल और पैरेलल दोनों ही याद रखिएगा, ठीक है ना। लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है ना, वो बोथ पैरेलल और सिक्वेंशियल दोनों तरीके से काम होता है। एसआई के एग्जाम के लिए बच्चे बहुत दिल लगा के तैयारी करते हैं, बहुत दिल लगा के मेहनत भी की है, कईयों ने रात रात भर जाके मेहनत की है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भर्ती रद्द हो, मतलब पेपर कैंसिल होकर दोबारा हो जाए, तो मेरा ये कहने का इंटेंशन नहीं है कि आप लोगों के रिजल्ट रुक जाए, आप लेट हो जाओ सिस्टम वगैरह। ना मैं किसी सरकार के खिलाफ बोल रहा, ना मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोल रहा, लेकिन मुद्दा ये है कि मैं बच्चों के लिए इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जी दुख पा रहा है, ठीक है ना, बुरा लग रहा है, पार्शियलिटी लग रही है, पता नहीं, न जाने वो एग्ज़ाम कैसा होगा क्या नहीं होगा, अजीब है, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको अगर हो तो बच्चों के लिए, फिर एक साथ ही हो, पार्शियलिटी जैसा हो, तुमने पहले ऐसे गड़बड़ करी ही क्यों, बच्चों को फिर बुरा तो लगता ही लगता है कहीं ना कहीं। हो सकता है किसी का पेपर अच्छा बन गया हो, बहुत अच्छा बन गया हो, अच्छे मार्क्स बन रहे हो उसके अंदर, अब तुम अगर कैंसिल कर दोगे तो भी हम उन बच्चों को भी दिक्कत होगी। तो देखो, ये मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है बच्चों को। खैर, अगला सवाल क्या होगा हमारा, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 65वां क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी पढ़िएगा, 100 क्वेश्चन करने हमें, 65 नंबर पे हूं मैं। हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक, ये एज इट इज आपके पेपर में क्वेश्चन आया था, अगर किसी बच्चे को याद हो तो, इसलिए मैं यही क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, एनसीईआरटी बेस्ड। तो एनिक कंप्यूटर बनाया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मोचले ने, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Who invented the high level language C? C जो लैंग्वेज है उसको बनाया किसने था? C लैंग्वेज को बनाया गया था 1971 के अंदर, बनाया गया था, लैब का नाम था AT&T Bell Lab, ठीक है ना, उसके अंदर लैब बनी था ये। डेनिस एम रिचे जो है ना, इसका पूरा सही आंसर रहेगा आपका। 67वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्सनल हु डिजाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर टू, तो पर्सनल ऐसा आदमी जो कि प्रोग्राम को बनाता है, उसे चलाता है, प्रोग्राम को मेंटेन करता है, उसे क्या कहने वाले हो आप लोग? वैसा सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लोग ही उसे बना देते हैं, लोग ही उसमें प्रोग्राम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, चलाते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा पीपल वेयर, ठीक है ना, पीपल वेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो मतलब लोगों के द्वारा ही ऑपरेट होते हैं, लोग ही उसे चलाया करते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी बात आप लोगों को यहाँ से याद रहनी चाहिए डियर, ठीक है ना। उसके बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि व्हेन डिड आर्क रिवील्स आईबीएम द एप्पल कंप्यूटर इंक डिसाइड टू ज्वाइन हैंड्स, ठीक है ना।
आईबीएम एंड एप्पल कंप्यूटर इंक डिसाइड टू ज्वाइन, ये दोनों ने साथ मिलने का निर्णय कौन से साल में किया था? 1991 के अंदर किया था। आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बहुत ही फेमस और दिग्गज कंपनियों में से एक। ह्यूमन बींग्स आर रेफर्ड टू एज ए होमोसेपियंस, इंसान को होमोसेपियंस कहते हैं। तो व्हाट डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोसेपियंस, सिलिकोसेपियंस जो है ना वो किसे कहा जाता है? तो सिलिकोसेपियंस कंप्यूटर को कहा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है इंसानों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इंसानों का वैज्ञानिक नाम आप लोग पढ़ा करते हो होमोसेपियंस। कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे तो क्या है? सिलियोसेपियंस, ठीक है ना, सिलियोसेपियंस याद रखिएगा आप लोग। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? एन एरर इन ए कंप्यूटर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग, एक कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर आ जाए उसको बग कहा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। विच इज अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गोन फॉर इट, तो जार्गोन शब्द जो है ना वो आपका किससे रिलेटेड है? जार्गोन शब्द रिलेटेड है गिल्च से। कई बार सुना होगा टेक्निकल गिल्च, यानी कि एरर आ जाना ही उसको आप लोग टेक्निकल गिल्च कहने वाले हो, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आप लोगों को यहां से याद रखना है। 71वां क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, आजकल के कंप्यूटर जो है ना वो बहुत रिलायबल है लेकिन उनके पास क्या नहीं है, ठीक है ना। क्या वो फास्ट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, पावरफुल होते हैं, चीप सस्ते, ये भी सब कुछ ठीक है आपका, लेकिन सी वाला ऑप्शन क्या है? इनफ्लेमेबल, ठीक है ना, मतलब आग उग वाली तो बात ही आप ना करिएगा, सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा। What is the name of display feature that highlight or the screen which required operation attentions, ठीक है ना। अब आपकी स्क्रीन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर जो है ना उसे रिवर्स वीडियो कहा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। 72वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बी है, याद रखिएगा आप लोग। 73वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सच बोर्ड, एक ऐसा कंप्यूटर उसके अंदर बहुत सारे डिवाइस जो है ना लगे हुए हैं, इसका पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर। उसका सही आंसर होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है आपका डियर, मदरबोर्ड पे एक ही जगह पे कई सारे डिवाइस लगते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा भी होगा कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होते हैं और कई सारे मदरबोर्ड्स आपके जो है ना, क्या मदरबोर्ड पे क्या होता है, कई सारे कंपोनेंट्स अटैच होते हैं आपके। 74वां सवाल है कि इन मोस्ट आईबीएम पीसी, बहुत ज्यादातर आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के जो पर्सनल कंप्यूटर है, द सीपीयू द डिवाइस ड्राइव मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्टिव कंपोनेंट आर माउंटेड ऑन ए सिंगल बोर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ बोर्ड, उस प्रकार के बोर्ड का नाम क्या होता है? उस प्रकार के बोर्ड को भी आप मदरबोर्ड ही कहोगे। मतलब इन्होंने तो सिचुएशन देख के तुम्हें कंफ्यूज किया कि आईबीएम का पीसी हो चाहे किसी भी कंपनी का हो, उसी के अंदर एक्सपेंशन स्लॉट हो, एक्टिव कंपोनेंट हो, टाइम वगैरह के लिए घड़ी हो, सब चीजें जो है ना उसके अंदर मैच हो, तो क्या कहलाएगा भैया, तो मदरबोर्ड ही कहलाएगा, और तो क्या रहेगा आपका, ठीक है ना, मेन तो मदरबोर्ड ही रहेगा, ठीक है ना। ठीक है जी, समझ गए आप लोग इस बात को। अगला सवाल क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, सही दिख रहा है ना, जूम की जरूरत है ना, स्पीड बढ़ाने की जरूरत है ना, स्पीड कम करने की जरूरत है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ओके दिख रहा है, ठीक है ना। अगर मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है तो तुम्हें भी कोई प्रकार की दिक्कत जो है ना महसूस नहीं होनी चाहिए बच्चा। चलो जी, अगला सवाल आपका क्या है कि व्हाट इज द मीन्ट बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर, ठीक है ना। डेडिकेटेड कंप्यूटर जो होता है ना उसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है विच इज यूज्ड बाय वन पर्सन ओनली, जिसे एक ही आदमी ने यूज किया, नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, जो एक या सिर्फ एक एक ही टास्क करे। हाँ, डेडिकेटेड कंप्यूटर यही होता है कि केवल दी हुआ ही काम करे। जैसे मान लेते हैं कि ये सॉन्ग डेडिकेटेड टू यू, केवल आपके लिए है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, इसे याद करना है आपको। विच यूज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, नहीं है तो बी ऑप्शन ही ठीक हो गया, तो क्यों पढ़ने आगे के, ठीक है ना। चलो जी, उसके बाद में क्या कहा है मैंने, हाँ जी, उसके बाद में 76वां नंबर क्वेश्चन कहता है आपका द सिस्टम यूनिट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर टाइपिकली कंटेन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो कंप्यूटर होता है पर्सनल कंप्यूटर उसके अंदर सब चीजें होती है उसको छोड़ के, किसको छोड़ के, माइक्रो प्रोसेसर हाँ जी होता है, डिस्क कंट्रोलर हाँ जी होता है, सिस्टम इंटरफेस हाँ जी होता है, मोडेम नहीं होता है, मोडेम अलग से जो है ना अटैच करना पड़ता है, ठीक है ना, पर्सनल कंप्यूटर की यहाँ पे बात हो रही है।
इन कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एन एक कंप्यूटर है और वो कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज को, तो प्रोग्राम इसमें से कौन सा होगा? इंटरप्रेटर हो सकता है क्या आपका, बताइएगा। इंटरप्रेटर हो सकता है, स्टिमुलेटर नहीं होता है, कंपाइलर तो है ही है और कमांडर भी जो है ना नहीं है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर है, दोनों के दोनों जो हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कंपाइलर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। सी लैंग्वेज में इसी का ही ज्यादातर यूज किया गया, इवन ज्यादातर लैंग्वेजेस में कंपाइलर का ही यूज किया जाता है आपका, तो सी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा हमारा, ठीक है ना। उसके बाद में 78वां क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। एक कंप्यूटर है जो कि ट्रांसलेट करता है एक प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज, मतलब उसी टाइम पे जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है और उसे मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर देता है, तो उसको नाम आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, उसका आंसर भी रहेगा आपका, उसका आंसर है इंटरप्रेटर। अब दोनों में थोड़ा सा फर्क क्या रहेगा, इन्होंने लिखा था एंटायर प्रोग्राम, एंटायर प्रोग्राम का मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम, तो कंपाइलर आंसर दे दिया आपने, ठीक है ना। यहां पे कहा है एक पर्सन इंस्ट्रक्शन, एक आदमी के इंस्ट्रक्शन मतलब थोड़ा काम है, पेज बाय पेज होना है, तो वो आंसर क्या रहेगा, इंटरप्रेटर रहेगा। ऐसी सिचुएशन को आप समझ के चलिएगा। 79वां क्वेश्चन क्या कहता है, स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन विद इन, एक स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस की बात करते हैं तो वो क्या होगा, वो सेंसर ही होगा, ठीक है ना। अपने आप धूप निकलेगी तो स्ट्रीट लाइट पे देखा होगा आप लोग, लाइट बंद हो जाती है, अंधेरा होता है, लाइट ऑन हो जाती है, वो सेंसर ही होता है, इंटेलिजेंट छोटा भी होता है इंटेलिजेंट भी है। अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करप्टली, एक ऐसा फॉल्ट बताओ कंप्यूटर प्रोग्राम में जो कि अक्सर आता ही आता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, बग। बग का मतलब होता है कंप्यूटर में प्रोग्राम को ढूंढना, और डीबगिंग होता है कंप्यूटर में प्रोग्राम को ठीक करने का काम भी होता है आपका, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में अ सेल्फ रिप्लेसिंग प्रोग्राम सिमिलर टू ए वायरस विच वॉज टेकन फ्रॉम 1970s, और उसके बाद में कि साइंस फिक्शन नोवल बाय जॉन बर्नर एंटायर द सॉकवने राइडर, तो 81 का आंसर क्या रहेगा बताता हूं, उसका आंसर है वॉर्म। एक ऐसा वायरस है जो अपने आप को कॉपी कर लेता है, क्वेश्चन यही पूछा है आपसे, ठीक है ना। 1990 के दौरान आपका दशक के दौरान जो है ना ये आया था, और वॉर्म वायरस को आप लोग कहते हो मोस्ट रिप्लीकेटिंग वायरस, अपने आप को खुद को रिपीट पे रिपीट कॉपी कर लेता है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। A site is a bistable electronic circuit. State is a bistable electronic circuit that has electronic circuit के बारे में आप लोग बात कर रहे हो, और ये bistage आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ट्रेस रहेगा, ठीक है ना। सॉरी ट्रेस नहीं, माफ करना, इसका ट्रेस नहीं, फ्लिप फ्लॉप रहेगा, बी ऑप्शन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, हाँ फ्लिप फ्लॉप ही होता है आपका, ठीक है ना। फ्लिप फ्लॉप होता है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते रहता है, फ्लिप फ्लॉप पांच टाइप के होते हैं, डी होता है, एसआर होता है, जेके होता है, मास्टर स्लेव होता है, टी होता है, ये फ्लिप फ्लॉप होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अनवांटेड रिपीटेशन, हाँ ये क्या होता है, तो स्पैम होता है, बार बार एक ही मेल को भेजना वो स्पैम होता है। डोज का फुल फॉर्म पूछा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना वो ठीक रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद में है कि हु इज द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ का दो नाम है, एक बिल गेट्स है, और बिल गेट्स के साथ में कौन है, बिल गेट्स के साथ में कौन है बताइएगा आप लोग कमेंट में, दो व्यक्ति ये तो बिल गेट्स तो को फाउंडर है, खैर आंसर इसका यही है, दूसरे का नाम दे नहीं रखा है, तो आप लोग यही आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलो जी अगला सवाल पॉल एलन है, ठीक है, ठीक है, पॉल एलन ठीक है ना, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, ठीक है ना, मेन तरीके से लीड किया था विंडोज के टाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस आपको ढूंढना है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, माउस एक इनपुट डिवाइस जो है ना वो माउस भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस होता है आपका, याद रखिएगा, ठीक है ना, और स्पीकर भी आपका, सॉरी कार्ड रीडर भी जो है ना वो एक इनपुट डिवाइस हो सकता है, तो एनी ऑफ दीज, हाँ जी सारी है, कोई भी हो सकता है इनमें, इनपुट डिवाइस तो सारे ही हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट, आउटपुट का स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, इसके भी सारे ही हो सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, सीपीयू जो है तो है ना उसी को आप लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जो है वो पुकारा करा करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है ना आईबीएम, आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखिएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
ब्लैंक्स ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर और पेज बाय पेज कन्वर्ट करता है कंपाइलर। डबल ओपी जो है ना ये किससे संबंधित है, डबल ओपी जो है ना ये रिलेट करता है किससे, ये करता है इनहेरिटेंस से रिलेट करता है, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। कोबोल इज वाइडली यूज इन, कोबोल कमर्शियली ज्यादा यूज की जाती है, बिजनेस पर्पज के लिए लाई गई लैंग्वेज है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। वन बाइट में 8 बिट होते हैं, याद रखना आप लोग, 4 बिट का तो निबल है, 2 बिट कुछ नहीं है, 9 बिट कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो 1 बाइट के अंदर जो है ना 8 बिट्स होती है, याद रखना। SMPS का फुल फॉर्म क्या है, SMPS का फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यानी कि ए ऑप्शन ठीक है इसका हमारा। द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन, एनालॉग लाइन पे जो है ना डिजिटल डेटा ले जाने वाले डिवाइस का नाम होता है मोडेम, और मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, क्या है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। वीडियो इज ऑल्सो कॉल्ड, वीडियो जो है ना उसको आप क्या कहते हो, स्क्रीन भी कहते हो और मॉनिटर भी कहते हो, दोनों ही आंसर ठीक रहेगा। BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या है जी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कहीं आपको दिख रहा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फादर ऑफ सी लैंग्वेज अभी तो आया था, डेनिस रिचे, ठीक है ना। अच्छा, द इंस्ट्रक्शन दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर्ड टू ए कंप्यूटर, ठीक है ना, इसका सही आंसर रहेगा प्रोग्राम। देखो ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों पर काम करता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ में हमने टोटल 100 क्वेश्चन जो है ना वो कर दिए हैं, 100 के आगे 101वां क्वेश्चन आपको एक नए सेशन में करवाऊंगा, ठीक है ना। अरे क्वेश्चन नॉर्मल थे भैया, क्या इसमें टाइम लगा था, ठीक है ना। अब मैं क्या इसमें, यार तुम एक बात बताओ, इसमें स्पीड और तेज क्या बात हो गया, मैं आपको कह दिया कि BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, तो इसमें क्या घंटा थोड़ा लगाना था यार, टाइम खराब थोड़ा करना था, थोड़ा समझा करो, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, चीजों को समझने की कोशिश करिया करिएगा। चलो खैर, इस क्लास को मैंने पूरा किया है, नेक्स्ट सेशन में कुछ नई क्लास नई चीजों के साथ में आपको पढ़ाऊंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।